नमस्कार। भारतीय रेल की ये योजना है कि 12 मई 2020 से यात्री ट्रेन संचालन को धीरे धीरे फिर से शुरू किया जाएगा। शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेनें नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तावी के बीच विशेष ट्रेनों के रूप में आवागमन करेगी। इसके साथ ही कोविड-19 देखभाल केंद्रों के लिए 20,000 से अधिक कोचों को आरक्षित करने के बाद उपलब्ध कोचों के आधार पर भारतीय रेलवे नए मार्गों पर और अधिक विशेष सेवाएं शुरू करेगी। फंसे हुए यात्रियों के लिए पर्याप्त संख्या में कोचों को श्रमिक स्पेशल के रूप में प्रतिदिन 300 ट्रेनों के संचालन को सक्षम करने के लिए आरक्षित किया जाएगा। इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग आज 11 मई 2020 को शाम 4 बजे शुरू होगी, जो केवल IRCTC की वेबसाइट www.irctc.co.in पर उपलब्ध होगी। रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर बंद रहेंगे और कोई काउंटर टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। केवल वैध कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति होगी। यात्रियों को चेहरा ढकना अनिवार्य होगा और प्रस्थान के समय स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा और केवल आरक्षित यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी। धन्यवाद।